चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भाजपा सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। भाजपा विधायक आशीष सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वरना गद्दी छोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। भाजपा विधायक आशीष सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भू माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, हटाओ देश बचाओ। ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मत पत्र से मतदान कराओ, ईवीएम पे रोक लगाओ, मतदान से मतदान कराओ। लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्म की चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा विधायक आशीष सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारी क्षेत्रीय मांगे हैं जिसमें एक भूतपूर्व प्रधानाचार्य लियाकत अली जी के घर पे भाजपा विधायक आशीष सिंह ने कब्जा किया है, उसको खाली कराने के लिए। एक तालाब पे प्रधानमंत्री आवास बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि उसके लिए तो जमीन का मालिकाना हक चाहिए, तो जिन अधिकारियों ने बनवाए। और अब जो ध्वस्तीकरण का आदेश है, इसका कुछ ध्वस्त भी किए गए हैं, लेकिन वो गिने चुने मुसलमानों दलितों के ध्वस्त किए गए हैं, बाकी खड़े हैं। हमारी मांग है कि बनाने और ध्वस्त करने का जो भी खर्च है उन अधिकारियों से वसूला जाए जिन्होंने बनवाए। तो इस तरह के स्थानीय मुद्दे हैं। और एक राष्ट्रीय मुद्दा हम लोग ये उठा रहे हैं, कल राष्ट्रीय मतदान दिवस है, पूरे देश भर में सोशलिस्ट पार्टी के प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में हमारा कल बड़ा प्रदर्शन है, और हम मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, क्योंकि ईवीएम में ये नहीं पता लगता कि जो आप बटन दबा रहे हैं वो वहाँ जो दर्ज हो रहा है उसी की गिनती हो रही है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची दिखाई पड़ती है। अगर उस पर्ची की गिनती हो तो हम मान सकते हैं, लेकिन मशीन की गिनती हम मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे देश, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जिन्होंने ईवीएम की शुरुआत की, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब ईवीएम को छोड़ के वापस बैलेट पेपर पे चले गए हैं। तो हमारी मांग है कि मत पत्र से चुनाव होने चाहिए जैसे पहले होते थे, नहीं तो ईवीएम पे इस देश के लोगों का भरोसा नहीं। मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं सोशलिस्ट पार्टी का महासचिव। मतदान कराओ, ईवीएम पर रोक लगाओ, मत पत्र से मतदान कराओ, मत पत्र से मतदान कराओ। ईवीएम पर रोक लगाओ, मत पत्र से मतदान कराओ। ईवीएम पर रोक लगाओ, मत पत्र से मतदान कराओ। हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम से चुनाव लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम से लोकतंत्र को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी योगी सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा विधायक आशीष सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, भाजपा विधायक आशीष सिंह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम पर रोक लगाओ।